जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजपुरा रोड पर शादीपुरा के पास एक सफेद रंग की सेंट्रो कार मिली, जिसमें 20 किलो आईईडी बरामद किया गया। कार के ड्रम में एक्सप्लोसिव रखा हुआ था। कार का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली कराया और फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से कार को उड़ा दिया गया, जिसमें छोटा धमाका हुआ और सिर्फ गाड़ी में नुकसान हुआ। किसी भी जानमाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा पुलिस को बुधवार देर रात जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक से लदी कार से जा रहे हैं, जिसके जरिए कुछ लोकेशन पर धमाके किए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई कर सभी रूट्स को सील कर दिया था। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई, रोकने पर कुछ राउंड की फायरिंग हुई, जिसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कार को हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चला रहा था। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। जल्द ही एनआईए की एक टीम इस इलाके का दौरा करेगी। वहीं जिस गाड़ी में आईईडी मिली थी वो एक सफेद कलर की सेंट्रो कार थी। इस गाड़ी में टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कठुआ में ट्रेस की गई है। ऐसे में आतंकियों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों में तेजी आई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें टॉप कमांडर भी शामिल है। बीते हफ्ते पुलवामा में ही सीआरपीएफ और पुलिस दल पर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। उससे पहले 20 मई को श्रीनगर में आतंकियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। न्यूज डेस्क।